सब गेमर्स कैसे आप सब लोग, तो कैसे फिर से आ चुका है सभी लोग के लिए एक एक्साइटिंग से वीडियो को लेकर। तो कैसे इसके आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उसी फेमस वर्ल्ड फेमस गेम के बारे में जिसका नाम है एकिनेटर। सो गाइस, अगर आप लोगों ने एकिनेटर गेम के बारे में नहीं सुना तो यार मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ, जो गेम है ये लिटरली हमारे दिमाग को रीड करने का दावा ठोकता है। और यार ये मजाक कर रहा है क्या? मतलब यार तू हर किसी के दिमाग को एक बारी के लिए रीड कर ले मैं मान लूं, लेकिन तू लूफी के दिमाग को रीड कर दे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तेरे लूफी भाई के दिमाग में है गोबर और ये गोबर को रीड करना एकदम यम पॉसिबल। सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जैसे कि हमारे देसी गेमर्स मिथ पैट, या तो हम लोग बात करें हमारे TSG वाले, यार इनको तो गैस कर लिया ही सैप ने, लेकिन क्या ये राइस्टार को गैस कर पाएगा? क्योंकि सर आप लोग को भी पता है राइस्टार ने ना ही अपना फेस रिवील कर रखा है ना ही अपनी वॉइस रिवील कर रखी है अभी तक अच्छी तरीके से। सो गाइस, अगर ये ऐप राइस्टार को भी रिवील कर देता है और या राइस्टार को भी गैस कर लेता है तो हम लोग मान लेंगे कि यार एकिनेटर एकदम शानदार सा गेम है। सो गाइस, अभी हम लोग चलते हैं सीधा हमारे गेम की तरफ, लेकिन गाइस सर उससे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में एक आएगा बेल नोटिफिकेशन, उसको ऑल में सेट करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक में 5K लाइक्स को ओनली आप लोग इजीली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग ने इस गेम को ओपन कर लिया है और यार गेम को ओपन करते सही है हमसे बोला है कि मैं तुम्हारे दिमाग को रीड कर सकता हूँ, ये मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। आर यू चैलेंजिंग मी? मुझे चैलेंज कर रहा है तो मेरे दिमाग को रीड करेगा, चल देखते हैं कितना कर सकता है। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन इसने मेरे से पूछ रखा है कि जो तुम्हारा करेक्टर है क्या वो लड़की है? तो गाइस, ऐसे बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि राइस्टार लड़की है, राइस्टार लड़की है, लेकिन यार हम लोग जानते ही हैं राइस्टार लड़का है, इसलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को कर देते हैं नो, हमारा राइस्टार कोई लड़की नहीं है, तो कमबख्तो उसको लड़की बोलना बंद करो। तो गाइस, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमसे पूछा है कि क्या जो तुम्हारा करेक्टर है वो दो पैरों से चलता है? मतलब लिटरली भाई कोई जानवर है क्या हमारा राइस्टार भाई जो साले चार पैरों से चलेगा? मतलब भाई क्या पूछ रहा है क्वेश्चन यार, करेक्टर इंसान ही तो होगा, अगर कोई यूट्यूबर है वो इंसान ही तो होगा यार, तो दो पैरों से तो चलेगा। वैसे मैंने राइस्टार भाई को नहीं देखा है, क्या वो अपने हाथों से भी चलते हैं? मुझे ऐसा तो नहीं लगता है। वैसे चलो यार इसको भी हम नो कर, भाई क्या क्वेश्चन पूछा है लिटरली, आप लोग खुद देखो यार, जो तुम्हारा करेक्टर वो अपने दो पैरों से चलता है ना भाई, वो पूरे हाथ पैर सबसे चलता है। सो गाइस, इसके कमाल और धमाल के क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता, अब हम लोग बढ़ते इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि यार कम से कम थोड़ा लॉजिकल है कि जो तुम्हारा करेक्टर है क्या वो इंडिया से है? तो हाँ भाई, हमारे राइस्टार भाई तो इंडिया से है, केरला से है, आप लोग को भी पता है, और केवल हमारे इंडिया की नहीं नेपाल और बांग्लादेश जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज की भी शान है हमारे राइस्टार भाई। सो गाइस सर, हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 को यस कर देते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, पता नहीं यार कितने ज्यादा क्वेश्चन ये पूछने वाला है, और मुझे तो नहीं लगता कि यार ये बंदा गैस कर पाएगा हमारे राइस्टार भाई को। आप लोग को क्या लगता है? इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखना, तभी आप लोग को पता चल पाएगा। सो गाइस, इसने क्वेश्चन नंबर 4 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पूछ रखा है, और गाइस मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इसने हल्के हल्के गैस करना शुरू कर लिया है। तो गाइस, इस बंदे ने पूछ रखा है कि जो तुम्हारा करेक्टर है यानी कि हमारे राइस्टार भाई ने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया। तो गाइस, हमारे राइस्टार भाई ने तो फेस रिवील नहीं किया। तो गाइस, इसके इस क्वेश्चन का भी हम लोग जवाब दे देते हैं, लेकिन गाइस अब हम लोग बढ़ते इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कह रही इसने फिर से एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछ रखा है कि क्या जो तुम्हारे करेक्टर है उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे? तो गाइस, हमारे राइस्टार भाई के 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो नहीं है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर नो कर देते हैं। लेकिन गाइस सर, हमारे राइस्टार भाई को सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो। अगर हमारे राइस्टार भाई ने अपना फेस रिवील जिस दिन कर दिया ना और अपनी वॉइस रिवील कर दी, मैं लिटरली बता रहा हूँ 2 दिन के अंदर उनके 10 मिलियन हो जाने। क्योंकि गाइस सर, आप लोग को भी पता है हमारे राइस्टार भाई की फैन फॉलोइंग कुछ अलग लेवल की है, और गाइस अगर हमारे राइस्टार भाई ने कुछ ऐसा टारगेट दे दिया कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स में मैं अपना फेस रिवील कर दूंगा, तो गाइस राइस्टार भाई के 2 दिन के अंदर 10 मिलियन हो जाने, मैं आप लोग को लिख के देता हूँ। तो गाइस, अभी हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या इसने हमसे पूछ गया कि क्या जो तुम्हारा करेक्टर है वो माइनक्राफ्ट खेलता है? सो गाइस, हमारे राइस्टार भाई GTA खेलते हैं ये तो हमने सुना है, लेकिन वो माइनक्राफ्ट नहीं खेलते ये तो हमने आज तक नहीं सुना, क्या पता खेलते भी हो, बट गाइस हमने सुना तो नहीं है ना ही हमने आज तक देखा है। सो गाइस, इसको हम लोग कर देते हैं नो। सो गाइस, अभी हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, तो यार इसने हमसे अगला क्वेश्चन पूछेगा कि क्या जो तुम्हारा करेक्टर है यानी कि हमारे राइस्टार भाई मोस्ट ऑफ द टाइम साइलेंटली काम करते हैं यानी कि चुपचाप काम करते हैं? तो जी हाँ, हमारे राइस्टार भाई मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा चुपचाप ही काम करते हैं, आप लोग को भी पता है। लेकिन गाइस, जब से हमारे राइस्टार भाई ने अपना वॉइस रिवील करके हमारे ज्ञान भाई की लाइव स्ट्रीम में, तब से गाइस हमारे राइस्टार भाई क्या ही एकदम चू 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 करके उनकी आवाज भी एकदम क्यूट सी लगती है यार, आप लोग को भी पता है वॉइस चेंजर में उनकी आवाज काफी ज्यादा क्यूट लगती है, और
हमारे राष्ट्र भाई एकदम उधम सा काट देते हैं। और कैसे हमारे ज्ञान भाई को तो क्या ही गाली सुनाते हो, मतलब लिटरली मैं भी सोच के एकदम के हैरान हो जाते कि यार ज्ञान भाई जैसे बड़े यूट्यूबर को कोई बंदा कैसे गाली दे सकता है। अगर कोई दे सकता है तो उस बंदे का नाम है स्टार का स्टार राय स्टार। सो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अभी श्रम से पूछ का है कि क्या जो तुम्हारा करेक्टर है वो कीबोर्ड में खेलता है यानी कि कीबोर्ड यूज करता है। तो गाइस हमारे राष्ट्र भाई तो कोई एमुलेटर प्लेयर नहीं है, तो गाइस हमारे राष्ट्र भाई खेलते हैं मोबाइल में, इसलिए हम लोग इसको कर देंगे नो। और यार एकदम सरासर एकदम उंगली फाड़ के इतना जोर से नो करूंगा ना मैं, एकदम गड्ढा बढ़ जाएगा वहां पर हमारी स्क्रीन में, क्योंकि गाइस हमारे राष्ट्र भाई मोबाइल प्लेयर, तो यार एमुलेटर प्लेयर क्यों बोलेंगे हम उनको, यार हद होती है यार किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा भाई तू। सो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अभी इसने थोड़ा दिमागदार क्वेश्चन पूछ का है और यार थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये हल्के हल्के हमारे राष्ट्र भाई को पहचानना शुरू कर दिया है। तो गाइस इसने अभी हमसे पूछ गया कि क्या जो तुम्हारा करेक्टर है यानी कि हमारे राष्ट्र भाई वो मोबाइल के गेम्स खेलते हैं। तो जी हाँ हमारे राष्ट्र भाई मोबाइल के गेम्स खेलते हैं, आप लोग को भी पता है। सो गाइस इसने यार काफी ज्यादा दिमागदार क्वेश्चन पूछा और मुझे लिटरली लग रहा है कि यार ये हल्के हल्के मेरे माइंड को रीड कर रहा है। तो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं फिर से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अभी इसने हमसे पूछ के कि क्या जो तुम्हारा करेक्टर है वो हमारी धरती से है। तो गाइस मैं इसको बताना चाहता हूँ, मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना इस गेम के ऊपर। अभी इसने मेरे से पूछा कि क्या जो तुम्हारा करेक्टर है वो इंडिया से है, तो मैंने इसको अभी अभी हाँ बोला, अभी मैंने इसको हाँ बोला। अभी मेरे से पूछा है कि क्या जो तुम्हारा करेक्टर है वो हमारी धरती से है, मतलब तू पागल है साले, हमारा इंडिया धरती में नहीं आता है, मतलब क्या ही क्वेश्चन पूछा यार भाई तू। वैसे उनका गेम प्ले तो यार इस लेवल का है कि यार वो धरती से तो लगते नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मार्स से आए हैं, लेकिन गाइस है तो हमारे इंडिया से ही ना। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चन मत पूछ यार, लिटरली मुझे गुस्सा भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है साले एकिनेटर। तो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अभी इसने मेरे से बोल देखा है कि क्या जो तुम्हारा करेक्टर है यानी कि हमारे राष्ट्र भाई उसने अपना फेस रिवील किया है कि नहीं किया है। तो गाइस अभी आप लोग मुझे रोक लो, नहीं तो यार मैं गेम के अंदर घुस के इसकी पगड़ी उतार के इतना मुक्के मारूंगा, इतने मुक्के मारूंगा भाई, इसका मुंह सुजा दूंगा, इसके सारे के सारे दांत तोड़ दूंगा। क्योंकि गाइस इसने मेरे से अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो तुम्हारा करेक्टर है यानी कि राष्ट्र भाई उसने अपना फेस हाइड किया है और वो अपना फेस हाइड करता है, तो मैंने इसको हाँ बोला। अब भाई जो बंदा अपना फेस हाइड करता है वो अपना फेस रिवील क्यों करेगा, इस तरीके के क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है भैया बार बार, मुझे गुस्सा दिला रहा है। एकिनेटर तेरा दांत नहीं तोड़ देना मैंने, मेरा नाम लूफी नहीं होगा। सो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अभी इसने मेरे से पूछ के कि क्या जो तुम्हारा करेक्टर है वो गन को यूज करता है। तो गाइस मुझे रियल लाइफ का तो पता नहीं, हमारे राष्ट्र भाई गोलियां बारूद चलाते नहीं चलाते हैं, लेकिन गाइस गेम के अंदर तो क्या ही यूज करता है, मतलब यार लिटरली काफी अच्छी गन चलाते हैं। सो गाइस अभी हम लोग इसको कर देते हैं यस। गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस इसने हमसे पूछे कि क्या जो तुम्हारा करेक्टर है वो पबजी मोबाइल खेलता है। तो गाइस हमारे राष्ट्र भाई पबजी मोबाइल तो नहीं खेलते, लेकिन वो फ्री फायर जरूर खेलते हैं। और गाइस जितने भी बंदे पबजी खेलते हैं यार उनको मैं बस इतनी बात बोलना चाहता हूँ कि भाई यार आपके देश वालों ने यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर रखा है आप लोग को पबजी खेलने के लिए और उसको बैन तक कर रखा है, लेकिन आप लोग फिर भी अलग अलग तरीके ले आ रहे हो उसको खेलने के लिए, मतलब यार हद होती है यार। अगर आपकी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको मना कर रखा है, उसको बैन कर रखा है, उसको बॉयकॉट करने के लिए कह रखा है, तो गाइस यार प्लीज बॉयकॉट करो यार, थोड़े दिन रुक जाओ, क्या पता पबजी आ जाए, और अगर नहीं आ जाए तो यार बाकी गेम्स को ट्राई करो, मतलब यार हद होती है यार किसी चीज की। सो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस इसने भी हमसे पूछ के कि क्या जो तुम्हारा करेक्टर है यानी कि हमारे राष्ट्र भाई एक लेजेंड है। तो गाइस सर हम तो अपने राष्ट्र भाई को लेजेंड मानते हैं, आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन गाइस मैं तो अपने राष्ट्र भाई को लेजेंड मानता हूं, इसलिए गाइस मैं इसको कर देता हूं यस। और ये क्या भाई, मतलब लिटरली भाई यार मुझे यकीन नहीं हो रहा यार, इसने राष्ट्र भाई को गैस कर लिया यार, गाइस ये सही में काम करता है यार, इसने मेरा माइंड पर भाई। गाइस मैं सही बता रहा हूँ आप लोग को, मैंने आज से पहले इसको ट्राई नहीं किया था, अगर आप लोग को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो गाइस सर आप लोग खुद इसको डाउनलोड करो और यार इसको खेलो, और आप लोग अपने मन में कोई भी क्रिएटर का नाम सोचो और यार ये जो भी क्वेश्चन पूछे यार उसको जवाब देते जाओ सिंपली, और यार ये आपको गैस करके दे देगा, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है भाई, भाई पूरी दुनियादारी से मेरा विश्वास उठ गया यार, इसने सही में मेरा दिमाग पढ़ लिया। तो गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस अगर आप लोग चाहते हो मैं अगले किसी क्रिएटर के ऊपर ये वीडियो लेके आऊं तो मुझे उस क्रिएटर का नाम कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर देना। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।